उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन तो लग गया है, लेकिन सख्त आ रही है बड़ी खबर। हरीश रावत कांग्रेस विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं। बीजापुर गेस्ट हाउस में विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं हरीश रावत। उत्तराखंड में कल ही राष्ट्रपति शासन लगने की खबर आई थी। हालांकि इंडिया न्यूज ने सबसे पहले अपने दर्शकों को यह बताया था कि उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगने जा रहा है। नैनीताल हाईकोर्ट में भी कांग्रेस ने हालांकि एक पिटीशन फाइल की है। कांग्रेस ने उत्तराखंड के नैनीताल में हाईकोर्ट में इस राष्ट्रपति शासन के खिलाफ पिटीशन फाइल की है। पार्टी नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने यह याचिका दायर की है, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने का विरोध किया। और वहीं बीजापुर गेस्ट हाउस में हरीश रावत राज्य के बड़े कांग्रेसी नेताओं के साथ में बैठक कर रहे हैं। इससे पहले आपको याद होगा केंद्र सरकार ने यह कहा था कि उत्तराखंड में संवैधानिक व्यवस्था चरमरा गई है, विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही है, जिसे देखते हुए राष्ट्रपति शासन लगाने का फैसला किया गया था। विधानसभा को हालांकि भंग नहीं किया गया है, अंग्रेजी में इसे बोलते हैं सस्पेंडेड एनिमेशन में रखा गया है विधानसभा को। आज हरीश रावत कांग्रेस विधायकों के साथ बैठक कर रहा है, लेकिन इससे पहले बीती शाम हरीश रावत ने यह दावा किया था राज्यपाल से मिलते हुए कि उनके पास पूर्ण बहुमत है, पूरी शक्ति है, फ्लो टेस्ट करा लिया जाए और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। देखिए, ज्ञापन सौंपा और हमने सज्जा बहन भी कर। सर ये माना जा रहा है कि क्या ज्ञापन में सर सरकार बनाने ज्ञापन में क्या सरकार बनाने का क्या दावा पेश कर सकते हैं आप? हमारा बहुमत है, मैं ये कहने 9 दिन पहले कांग्रेस के 9 विधायकों की बगावत का पटाक्षेप उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन के तौर पर हुआ। कल शाम तक ऐसा लग रहा था कि पटाक्षेप हो गया है, लेकिन आज हरीश रावत बीजापुर गेस्ट हाउस में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ में बैठक कर रहे हैं। लेकिन आज की तारीख में हर हिन्दुस्तानी एक ही सवाल पूछ रहा है कि उत्तराखंड का राजनीतिक भविष्य होगा क्या। सवाल इसलिए क्योंकि केंद्र की सिफारिश पर अब वहां राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है। कायदे से उत्तराखंड में साल भर बाद विधानसभा चुनाव होने थे, लेकिन कांग्रेस विधायकों की बगावत के बाद हरीश रावत सरकार अल्पमत में आ गई थी। कांग्रेस केंद्र सरकार पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगा रही है। दस दिन की सियासी उठापटक के बाद आखिरकार उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लग ही गया। शनिवार रात केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की और रविवार सुबह राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दस्तावेजों पर दस्तखत कर दिए। इसके साथ ही उत्तराखंड में 4 साल से चल रही हरीश रावत की कांग्रेस सरकार का शासन खत्म हो गया। धारा 356 के प्रयोग का इससे बेहतर कोई दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता। पिछले 9 दिन से उत्तराखंड की सरकार हर रोज संविधान के प्रावधानों की हत्या कर रही थी। उत्तराखंड में कांग्रेस के 9 विधायकों की बगावत के बाद से ही संकट में घिरी हरीश रावत सरकार पर राष्ट्रपति शासन का खतरा मंडरा रहा था। रही सही कसर उस स्टिंग ऑपरेशन ने पूरी कर दी, जिसमें मुख्यमंत्री हरीश रावत को विधायकों की खरीद फरोख्त करते दिखाया गया था। हरीश रावत को 28 मार्च को सदन में बहुमत साबित करना था, लेकिन स्टिंग सामने आने के बाद बीजेपी और कांग्रेस के बागी विधायकों ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग तेज कर दी थी। अपनी अल्पमत की सरकार बहुमत में कन्वर्ट करने के लिए किस हद तक वहां के मुख्यमंत्री जा सकते हैं, वो कल के स्टिंग के माध्यम से पूरे देश ने देखा है। 25-25 लोग मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे थे, ऐसे निरंकुश शासन के अंत के लिए जो लड़ाई की शुरुआत की, उसके लिए मैं अपने साथियों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। केंद्र सरकार का बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने उत्तराखंड के कुशासन, राक्षस राज, गुंडा राज, माफिया राज, भाई भतीजावाद का संज्ञान लेकर के इस सरकार को हटाया। राज्य में तेजी से बिगड़ते सियासी हालात के मद्देनजर बीती रात केंद्रीय मंत्रिमंडल की करीब 1.5 घंटे तक आपात बैठक हुई। उसके बाद राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राष्ट्रपति से मिलकर उत्तराखंड की राजनीतिक स्थिति की पूरी जानकारी दी और राष्ट्रपति ने मंत्रिमंडल का फैसला मंजूर कर लिया। इस फैसले से बीजेपी और बागियों में खुशी का माहौल है, जबकि हरीश रावत ने कहा है कि उनकी नहीं लोकतंत्र की हत्या हुई है। लोकतंत्र की हत्या की बात पहले से ही तय कर ली जी, और संसदीय परंपराओं और संविधान पालक की हत्या करके उन्होंने जो है राष्ट्रपति शासन लागू किया। जो लोग
संविधान की शपथ लेकर देश को चलाना चाहते हैं, वही लोग मंत्रिमंडल में बैठे हुए संविधान का उल्लंघन करते हैं। हालांकि राष्ट्रपति शासन लागू होने के बावजूद उत्तराखंड विधानसभा को भंग न करके निलंबित हालत में रखा गया है। मतलब ये कि निकट भविष्य में वहां सरकार बनने की गुंजाइश बाकी है। यही वजह है कि कांग्रेस केंद्र सरकार पर विधायकों की जोर तोड़ को बढ़ावा देने का आरोप लगा रही है। अब सवाल है कि उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन का फैसला कितना सही है और क्या विधानसभा को निलंबित रखने से वहां विधायकों की खरीद फरोख्त को बढ़ावा नहीं मिलेगा। ब्यौरा रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़।